नमस्कार, खबर अलवर से। अलवर शहर में पानी के लिए भारी परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। हालात यह है, लोगों को 500 से 700 रुपए में टैंकर मंगाकर पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है। प्रतिदिन शहर की सड़कों पर महिलाओं का समूह पानी की मांग करते हुए यातायात बाधित कर रहा है। रास्ता जाम होने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुवार को शहर के बस स्टैंड मुख्य सड़क मार्ग पर पानी की समस्या के चलते स्थानीय गुलाब बाग में भैरू का चबूतरा की काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई। महिलाओं ने बस स्टैंड से कोर्ट परिसर को आने वाले मार्ग पर जाम लगाने की मांग की। सड़क मार्ग अवरुद्ध करने की जानकारी पुलिस के पास पहुंची। उसके बाद पुलिस ने काफी देर तक महिलाओं से समझाइश की, लेकिन महिलाएं नहीं मानी और मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ी रही। उसके बाद मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने पानी की समस्या से महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं ने जाम खोला। महिलाओं ने बताया कि प्रतिमाह 300 रुपए से लेकर 500 रुपए का बिल भर रहे हैं, फिर भी नलों में पानी नहीं है। गुलाबबाग से पानी नहीं आ रहा, हमारे 3 महीने हो गए। कई बार जा चुके, वहाँ लिख के भी दिया, कोई सुनाई नहीं होती हमारी। ये बात बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल करके हम अशोका से भर के ले आते, टैंक गिराते हैं, वहाँ से भर भर के ले आते, अशोका से ले जाते, दो दो घंटे लम्बा रहता, वहाँ भी भीड़ पड़ती है। बात बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आज मजबूरी में ये जाम लगाने पड़ा। मैं बुद्धि देवी भैरू को छोतरा की। कितने दिन से पानी की समस्या आ रही है? 2 साल होगी इधर से पानी ना जमा दे, 500 रुपये बिल भर रहा हूँ हमें जो। हाँ, काम चलाते हो, पानी नहीं आ रहा तो है? पानी नहीं आ रहा तो कैसे काम चलाता? टैंक डलवाया है ने और बोरिंग खराब पड़ी है, ठीक करवाए जी, और दूसरे दिन खराब हो जाए बोरिंग। एक भाई अब तो 6 महीना से बिल्कुल ही खोना रहे हो। मतलब मैं ना बोल रहा थी, मैं एक दिन ठीक करवाई थी और दूसरे दिन बोरिंग खराब हो जाए थे, जान खाई करके जाए थी मैं। हाँ, मजबूरी में। मेरा नाम कृष्णा।